सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई थी, ये जानना चाहती है पब्लिक, सुशांत की फैमिली और उनके वेल विशर्स, यानी कि एसएसआर वॉरियर्स और एसएसआर के फैंस और एसएसआर की फैमिली। लेकिन इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो सुशांत की डेथ का रीज़न जानना चाहते हैं, सीबीआई का क्या रिजल्ट है वो जानना चाहते हैं। इसके पीछे कारण ये नहीं कि वो सुशांत को जस्टिस दिलवाना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई कि ये मामला हमसे लेकर सीबीआई को दिया गया। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है मुंबई पुलिस की, जिसके लिए वाकई में ये एक नाक का सवाल हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कैसे उनसे छीन के सीबीआई को दिया गया और कैसे बताया गया कि मुंबई पुलिस जो है इस केस को छानबीन करने में नाकाम रही, जबकि मुंबई पुलिस का तो दावा है कि उनका केस जो है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर था, वो केस को क्लोज करने की कगार पर थे, सच्चाई उन्हें पता लग चुकी थी, 40 से 45 लोगों का वो ऑलरेडी स्टेटमेंट ले चुके थे और जब वो फिनिश लाइन पर पहुंच रहे थे तभी उनसे ये केस लेकर सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी लोगों से सीबीआई ने भी पूछताछ की, इनमें से कई वो सारे भी लोग थे जिनसे मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी थी, मुंबई पुलिस ने अपनी सभी रिपोर्ट्स सीबीआई को भी सौंपी। इतना सारा इन्वेस्टिगेशन का डेटा इकट्ठा होने के बावजूद अब सीबीआई पिछले कुछ महीनों से एकदम चुप है। यूं कहे कि पिछले 2 महीनों से सीबीआई के सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कोई खबर ही नहीं आई है। ऐसे में सीबीआई सुशांत के मामले में बोलने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? क्या वाकई में ये केस इतना टफ था? क्या वाकई में अभी भी कुछ चीजें हैं जिसको लेकर सीबीआई के सवाल सॉल्व नहीं हुए हैं, इसीलिए सीबीआई चुप है, या फिर सीबीआई सही वक्त का इंतजार कर रही है? लेकिन इन दोनों ही मामलों में समय इतना ज्यादा निकल गया है और जब समय ज्यादा निकलता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर कि डेफिनेटली मामले में कुछ तो है। लेकिन दूसरी तरफ इतने सारे लोगों के स्टेटमेंट लेने के बावजूद गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, किसी के ऊपर नई एफआईआर नहीं हुई, मर्डर को लेकर जो एफआईआर दर्ज करवानी थी वो भी नहीं हुई। ऐसे में अब सबकी नजरें इंक्लूडिंग मुंबई पुलिस सीबीआई पर ही है। इतना समय लेने के बाद अगर सीबीआई वही जवाब देती है जो मुंबई पुलिस ने दिया था, जो करीब करीब ये कह चुके थे कि एक सुसाइड का एंगल है, अगर सीबीआई का भी यही रिजल्ट आता है तो फिर लोगों का रिएक्शन ये होगा कि इतना टाइम लेकर सीबीआई ने क्या कर लिया, और मुंबई पुलिस जो है वो फिर से स्ट्रांगली खड़ी होकर कह सकेगी कि जिस केस को हमने 15 दिनों में सॉल्व कर दिया था उस केस को जबरदस्ती पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर सीबीआई तक पहुंचाया गया, सीबीआई ने इतना लंबा समय दे दिया फिर भी रिजल्ट यही निकला, तो फिर हम कहां गलत थे। और इसी कारण से मुंबई पुलिस जानना चाहती है कि अब सीबीआई क्या कर रही है। इसीलिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत मामले का सीबीआई कर क्या रही है, क्यों अभी तक कुछ भी बात सामने नहीं आई है, क्यों सीबीआई चुप बैठ गई है। ऑलरेडी सीबीआई के काम करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। विनीत डांडा करके एक एडवोकेट है जिसने ये याचिका दायर की, उसने कहा कि अब बहुत हो गया, सीबीआई ने बहुत टाइम ले लिया, 2 महीने की अब टाइम लिमिट सीबीआई को दे दी जाए कि उसके बीच में जो कुछ भी उन्हें इस केस में मिला है उसकी फाइनल रिपोर्ट शेयर कर दे। और यही बात अनिल देशमुख ने भी कही है कि पिछले 5 महीनों से ये मामला सीबीआई के पास है लेकिन अब नतीजों का इंतजार है, बहुत टाइम ले लिया, सीबीआई आखिर क्यों अब तक नतीजे शेयर नहीं कर रही है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी और तभी से इस मामले को सीबीआई को देने की डिमांड चल रही थी, ये मामला सीबीआई को दे भी दिया लेकिन अब सीबीआई इस पूरे मामले पर चुप है। एसएसआर वॉरियर्स उनके लिए ट्विटर पर हर रोज लड़ते हैं, हर रोज एसएसआर को जस्टिस दिलाने के लिए एक हैशटैग वायरल जरूर होता है।